हेलो फैमिली, आप सबका स्वागत है डीके वंदना के ब्लॉग्स पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी सारी फैमिली सो के उठ गई है। वंदना जी बैठी हुई है, ऋषभ बैठा हुआ है, बैठे हैं, चल रहे हैं। तो जहाँ पे आज तैयारी हो रही है दीपावली की, अब वंदना जी हमसे बोल रही है आप कब छुट्टी करेंगे, ये तो हमारे छुट्टी के ही पीछे पड़ी रहती है। घर का सारा काम अकेले हम सफाई करेंगे, अभी सफाई मेरा घर हुआ है। सफाई हमने कर दिया था लेकिन पूरा ढंग से नहीं किया था, बस आगे आगे का हटा के हमने सामान कर दिया था। तीन से बोला थी करवा चौथ के दिन, लेकिन इन्होंने बोला कि करवा चौथ का टाइम है, हम बोला थे नहीं कर पाएंगे, तो किसी दिन छुट्टी लीजिएगा उस दिन सफाई करते हैं। और हमारी दीपावली की शॉपिंग नहीं हो पाई है, घर सजाने के लिए हमने घर सजाने के लिए हमने कोई सामान नहीं लिया है। तो वंदना जी कह रहे हैं कुछ शॉपिंग कर लेते हैं घर सजाने के लिए। सब क्या बोला, सुनो बोलो। बगल में दुकान है, हाँ बगल में दुकान है सजाने के लिए। अच्छा, बगल में एक दुकान खुला हुआ है तो गिफ्ट का सामान बेचते हैं, तो वही ऋषभ कह रहा है कि बगल में दुकान खुला तो हुआ वहीं है, से लेंगे ना? वहीं से नहीं लेंगे, मार्केट चलेंगे, तो हम लोग वहीं पे शॉपिंग। आप लोग भी काफी उत्साहित होंगे, घर की सफाई उफाई कर रहे होंगे। और अब क्या सजाए, जगह ही नहीं है, पूरा दीवार एकदम खराब हो गया है। सजाने वाली बात में एक छोटा सा जो घर होता है ना, वो भी अपने दिल के बराबर होता है, घर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। और जिस घर में हम सब रहते हैं ना, वही हमारे लिए बहुत कुछ होता है। इधर बस पर्दा लगवा देते हैं और क्या कर हो जाएगा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग बनाने का, तो घर कैसे साफ सफाई करें, कैसे सजाएं। तो किसी दिन सुबह निकलते हैं और शाम को जल्दी आते हैं, फिर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, थोड़ा बहुत घर सजाते हैं अपना, तो बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं, घर अच्छा लगता है सजा रहता। ये कहती है पापा घर में लाइट वाइट लगा दो, इसको काफी अच्छा लगता है। कभी छुट्टी लोगे ना, शॉपिंग जाओगे तो पटाखा ले आना। ये देखो पटाखे के पीछे तो रिक्शा का ले, रिक्शा बंदूक गन लेगा चिटपुटिया वाली, ये वाला नहीं जो पहले बहुत मिलता था पटाखा वो सब। दिल्ली में पटाखा बैन हो रखा है क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो दिल्ली में पटाखे नहीं मिलते हैं। बगल में यूपी है, बगल में हरियाणा है, गुड़गांव फरीदाबाद, यहाँ मिल जाते हैं पटाखे। तो यहाँ हम लोगों ने अगले साल पटाखे नहीं फोड़े थे क्योंकि पटाखे बिल्कुल भी नहीं मिले थे, तो बच्चों के लिए ले आएंगे, वो छुरछुरी होती है, राकेट होता है। कहाँ बोल लेते यहाँ मिलता है। तो फैमिली देखिए आज हो गया 29 तारीख हो गया। तो वंदना जी हमसे कह रही थी कि चलिए गांव घूम के आते हैं दीपावली पे, लेकिन हम क्या करें, अभी रक्षाबंधन पे गए थे दीपावली। क्या कहती हो जी आप? हम सोच, अरे दिवाली सोचो मेरे घर पे ना, अरे वो एकादशी भी बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छा था, सब सारे मेहमान आते हैं। तब मतलब कि जब से मेरी शादी हुई है ना, शादी के बाद एक बार भी नहीं है ना जी, नहीं एक बार नहीं। और फैमिली एक बार पता है जब इनकी नई नई शादी हुई थी ना, तो ये घर पे आई थी, तो इनके घर पे फेस्टिवल होता है, तो जो चौकी निकलती है भरत मिलाप होता है एकादशी का, सारे मेहमान हमारे घर, जैसे शादी नहीं होती है वैसे उस दिन वैसे ही होता है। तो इन्होंने हमसे बोला कि हमें लेके चलिए, हमारे घर पे मेला वाला लगता है, बहुत सजता है। तो हमने बोला कि हम कैसे समझे, हम पहले मम्मी से पूछते थे क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा बड़े हैं, बिना उनके राय से हम ससुराल तक नहीं जाते, कहीं और जाने की बात तो बहुत दूर है। तो हमने मम्मी से पूछा कि ये कह रही है यहाँ जाना है, मम्मी कहे कि अभी घूम के आए हो इस जगह से फिर जाओगे, तो ये खूब रो रही थी। कह रहे बताइए आपसे एक बार बोला, घर ही तो जाना है, कहीं घूमने के लिए थोड़ी बोला है, तो ये कोने में खूब छुप के रो रही थी। हम कहे चलो फिर कभी चलेंगे, अभी जाने दो। तब से उसके बाद से दोबारा इन्होंने नाम भी नहीं लिया घर जाने के लिए उस फेस्टिवल पे। नहीं बेटा देखिए, जितनी शादी के बाद जितनी भी त्योहार हुआ है ना, बस होली होली हम लोग एक बार थे, लेकिन इस बार अच्छा बंधन पे चले गए थे, नहीं तो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं कोई भी त्योहार अपने घर नहीं मनाई हूँ न ससुराल में, क्योंकि मेरी जब शादी हो गई थी और एक साल बाद सोनाची पैदा हो गई थी, तो मैं दिल्ली आ गई, दिल्ली में ही सब कुछ मनाते थे। उसके बाद अब ऐसे की होता है ना, इस त्योहार आता है पूरी फैमिली जुटती है, जैसे हमारे मतलब जो एकादशी होता है दिवाली के बाद पड़ता है, तो जैसे शादी होती है ना, सब सारे गेस्ट जुड़ते हैं, तो ऐसे हमारे कहीं मतलब वैसे त्योहार मनाया जाता है। तो सोचते हैं कि चलिए हमेशा नहीं, उस समय तो सब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बातें साते होता रहता है, अच्छा लगता है। तो वही सोच रहे हैं कि जाने के लिए क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब दिवाली पे सोचे थे लेकिन फैमिली, अरे फिर उसके बाद सोनाची का ट्यूशन वगैरह है ना, दिवाली पे जाने बात बोल रही थी कि दिवाली है तो छुट्टी रहेगी। हाँ, दो ही चार दिन का छुट्टी रहेगा और दिवाली से, लेकिन दिवाली पे हम यहाँ रहते तो हमें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना रहता है, घर में पूजा करना रहता है,
ससुराल में तो चलिए सास जेठान जी हैं, वो सब तो वहाँ अपना दीप जलाएंगे, घर उजाला करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ की बड़ी हूँ तो मुझे भी, क्योंकि हर साल दीपावली हम दोनों ही मिलके पूजा करते हैं, क्योंकि घर में हम बड़े हैं, अमित थोड़ा छोटा है तो हमारे बात थोड़ा यानी साल दो साल छोटा है, थोड़ा ही हुआ ना उसका मतलब, थोड़े का मतलब तो यही हुआ साल दो साल, तो पहले हम दोनों पूजा करते हैं फिर उसके बाद वो करता है, तो इसलिए हम लोग जब से दिल्ली आए हैं उसके बाद दीपावली पे कभी घर नहीं गए, होली पे गए हैं, रक्षाबंधन पे गए हैं, लेकिन दीपावली पे अभी तक नहीं गए ना, तो चलो क्या करें, अपना भी तो जिम्मेदारी, यहाँ घर गृहस्थी बनाए हैं, यहाँ लक्ष्मी जी है हमारी, तो हम क्यों छोड़कर, सोचे थे जाने के लिए लेकिन नहीं जाएंगे, मन में अजीब, अब हम मियां बीवी होते तो झोला उठा के चल देते, अब बच्चे हैं इनको भी लेके जाना फिर लेके आना, ठंडी का टाइम भी आ गया है, सोच रहे हैं एकादशी पे जाएं हम गांव घूम आते हैं, ये तो सोचती रहती, इनका तो पता नहीं कहाँ कहाँ सोच रहे, हम बता रहे फैमिली सही बताए ना, हम जाने के लिए सोचते हैं फिर ना हम, हमारे बीच में दो दीवार खड़े हो जाते हैं, मतलब सोनाची और ईसा, जहाँ जाओ उन दोनों को लेकर जाओ, सबसे बड़ा दीवार ये, अरे ये लोग तो मान लीजिए है लेकर जाओ लेकिन बहुत दुखी करते, बहुत परेशान करते हैं, इसकी वजह से ना मेरा कहीं जाने का मन भी करता है ना, अंदर अंदर मन दबा लेती हूँ, बहुत परेशान करते हैं, कभी अगर आपके साथ मुलाकात होगी ना देखना, इतना ये लोग खिंकिंग 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 खिंकिंग, और जब इन्होंने बोला कि हम बहुत परेशान होते, इससे हमें एक बात याद आ गई, जब हमारी इनसे शादी हुई थी तो इन्होंने बोला था कि हमारी एक इच्छा है कि हमें वैष्णो देवी घुमा दीजिए, तो इनको जब हम वैष्णो देवी लेके जाने लगे तो पहले तो सोनाक्षी बीमार हो गई, टिकट निकल गए जाने का हुआ, तो दो दिन पहले सोनाक्षी बीमार हो गए, अब बीमार ऐसी कि बुखार उतर नहीं रहा था, हाँ फिर मैं अच्छे डॉक्टर को, मतलब स्पेशली डॉक्टर जो दिल्ली में है वहाँ दिखाया, तो वो डॉक्टर दवा दी उसका सही हो गया, और जिस दिन का ट्रेन था उस दिन सब बीमार हो गया, और हमने बोला हे भगवान, इसीलिए ना हम, अब सही बात, अगर हम कहीं जैसे कि नॉर्मली भी जैसे कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं ना, हमारे बच्चे अगर ये घर छोड़ते हैं तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए ना मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, तो वहाँ पे ऋषभ बीमार हो गया, सोनाक्षी सही हो तो ऋषभ बीमार हो गया, इसीलिए हम लोग इनको लेके कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं इनका कब तबीयत खराब हो जाए, अभी बच्चे है ना थोड़ा बड़े हो जाए, जिम्मेदारी हो जाए, ऋषभ का तो ट्रेन में इतना तबीयत खराब हो गया था, जो अगल बगल की बाजू में औरतें बैठी थी वो लोग भी हेल्प कर रही थी, इतनी बुखार, सर का बुखार, तो लोग ठंडा ठंडा पानी देते थे, तो लोग बोले कि जा रही हूँ माता के दरबार में, उन्हीं वही सही करेंगे, फिर वहाँ चले गए होटल में, जिस होटल में थे तो वहाँ भी बहुत उल्टी उल्टी करता था, फिर माता रानी को चढ़ना था तो हम मानता मान लिए कि माता रानी हम तो आपके दरबार में आए, आप हमारा बच्चा सही करिए, फिर उसके बाद दवाई वहाँ से भी डॉक्टर को दिखा कर दवा लिए, लेकिन वो दवा काम नहीं किया, जो गाँव का यहाँ का गाँव का दिल्ली का दवा था वही दवा काम किया, फिर उसके बाद जैसे दर्शन करके उतर रहे ना जी सबका तबीयत सही हो गया ना। अब वैष्णो देवी जाने से पहले तो हमने सोचा कि लगता हमारा माता रानी बुलावा नहीं आया है, प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो हमने बोला कि हम लोग जब मन बना लिए तो जाएंगे जरूर दर्शन करने, हमने सब दवा ले दी, सोनाक्षी का दवा, ऋषभ का दवा, सबका दवा लेके हम लोग निकल गए थे, और वहाँ वैष्णो देवी में हमारा इनसे झगड़ा भी बच्चों की वजह से हुआ, ये लोग ना बहुत दुखी करते, ऐसे ना फसवे फुनफुनाते रहते मुझे ऐसे। एक तो हम इतने माता रानी का दर्शन करके ऊपर से नीचे उतरे थे और ऊपर से ये कह रही थी जाइए दवा लेके आइए ऋषभ, हम बोले थोड़ा आराम कर लेते जाते, कह रहे नहीं अभी जाइए बच्चा इतना बीमार है आराम करेंगे, इसी बीच हमारा इनसे झगड़ा हो गया, तो हम गए फिर तुरंत इसके लिए दवा लेके आए, तब ठीक हुआ ये छोटा सा बाबू। नहीं ऐसे नॉर्मली भी कहीं जाते ना ये दोनों को मोह उतर जाता है। और सोनाक्षी वहाँ गई थी गांव में, तो सोनाक्षी का चेहरा देखे तो एकदम कैसा हो गया था, अब यहाँ देखिए इसका चेहरा से बिल्ली की तरह चेहरा छोटा सा हो गया था। तो आप लोग फैमिली कमेंट करते हैं सोनाक्षी वही कपड़ा हमेशा पहने रहती है, हमेशा गंदा कपड़ा पहने रहती, बच्चे घर में है दिन भर खेलते हैं इधर उधर तो कपड़ा गंदा हो जाता है, अब हमें ही देख लीजिए हम ही हमेशा वही कपड़ा पहने रहते हैं, क्या बोलोगे बोलो, मार खाई थी। अच्छा मम्मी हमको मारे थे, तो मारे थे कल ऋषभ और सोनाक्षी बहुत मार खाया, मम्मी मेरा मारकर फेल पता है, फैमिली जो मारकर वगैरह होता है दीवारों पे पेड़ों पे दीवारों हाथों पे जैसे लग रहा है कि गोदना गोदवा दी है, टैटू बना
गुस्सा लगा था उठा के तो फेंके दिए हम उसको मार्कल को। इन लोगों को इतना नहीं मारना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, बीमार हो जाते फिर हम ही लोग को परेशानी झेलना पड़ेगा, इसलिए समझाते हैं। जानते जो सुनाची बार खा रही थी ना ऋषभ, मत मारो मम्मी मत मार, प्लीज मम्मी शांत हो, ऐसे ऐसे कूल हो जाओ, शांत हो जाओ, बताने दो ना। नहीं नहीं अच्छा मत। तो फैमिली यहाँ ऋषभ रो रहा है, कह रहा पापा छुट्टी कर लो, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, कुछ लेना होगा इसको, इसलिए बोल रहा। क्यों बोल रहा छुट्टी कर लो? तो आप देखिए कह रहा पापा छुट्टी कर लो। क्या बेटा क्यों बोल रहे हो तुम? छुट्टी कर लो। तो फैमिली हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। तो फैमिली हमारी वीडियो का से प्यार देते रहिए, मत दीजिएगा इनकी वीडियो को प्यार। देखिए हमारे वीडियो की बुराई कर रही हैं। क्यों जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देंगे ही मांगते क्यों हो? हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर से क्या मतलब है? प्यार मिल रहा है ना आपको? कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं होता, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है जेन्युइन है और अच्छे ही प्यार देते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। तो हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले DKVandanaVlogs, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है DKVandanaVlogs। तो चलिए फैमिली हम चलते हैं ड्यूटी पे और सबसे करते हैं बाय 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 फैमिली, बाय 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 ऋषभ, बाय करो ऋषभ। तो दूध पी रहा है बोतल में, देखिए इतना बड़ा हो गया अभी भी बोतल में दूध पीता है, बाहर खाया है। और चलो मिलते हैं रात को फिर, बाय बाय फैमिली, जाकर फिर आते हैं।